दोस्तों, आज का यह राउंड टेबल बहुत ही सफल रहा। जिस मकसद को लेकर हमने इसका आयोजन किया, इसके बारे में पहले सोचा था, मैं समझता हूँ कि वो उस मकसद में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लगभग एक साल पहले ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने तय किया कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम एक अध्ययन करें, एक स्टडी करें। और चूंकि इसकी एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, हम चाहते थे कि हम ऐसी कोई संस्था के साथ मिलकर काम करें जिससे हम भी लाभान्वित होंगे, हम भी कुछ समझेंगे और यह हमारी स्टडी कुछ आवश्यक विषयों को समाज के सामने, सरकार के सामने ला पाएगी। इसलिए भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से हमारा परिचय हुआ और जिन्होंने हमें परिचय कराया, मैं उस परम मित्र का आज जिक्र करना चाहता हूँ जो आज हमारे इस राउंड टेबल में नहीं है। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत पुराने मित्र हैं, हम कईयों के मित्र हैं, आसिफ खान। और आसिफ खान ने ही उज़्मा जी का परिचय कराया, सना का परिचय कराया और इसलिए ORF की जो कोई हमारी कमिटमेंट है वो आसिफ के कारण और आप सब के लोग कारण ये बढ़ती जा रही है। हमने इस विषय को क्यों चुना? आप में से कईयों ने देखा है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बहुत सारे विषयों पर कुछ डैबल करते रहती है, लेकिन पहली बार हम इस विषय पर, किसी मुस्लिम विषय पर काम कर रहे हैं। इसका कारण है जो हमारा घोष वाक्य है, जो हमारा मोटो है, आइडियाज एंड एक्शन फॉर अ बेटर इंडिया। यह हमारा कन्विक्शन है कि इंडिया कैन नॉट बिकम अ बेटर इंडिया अनलेस ऑल इंडियंस, एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकम्स एन इक्वल पार्टनर एंड इक्वल पार्टिसिपेंट इन आवर नेशंस प्रोग्रेस। And Muslims are